नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव ड्यूटी से गायब रहे मतदान कर्मियों को जारी हुआ सो कॉल। बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को गर्मी से मिली राहत। 577 लापरवाह हेडमास्टरों पर शिक्षा विभाग कर रहा विभागीय कार्रवाई की तैयारी। गांधी मैदान से आकाशवाणी स्टेशन के करीब पहुंचा मेट्रो सुरंग का काम। गौतम गंभीर ने कहा, आईपीएल भारत के लिए खेलने का नहीं, होगा शॉर्टकट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव ड्यूटी से गायब रहे मतदान कर्मियों को जारी हुआ सो कॉल। 20 मई को पांचवें चरण के तहत बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव देखने को मिला था। इसमें मुजफ्फरपुर का लोकसभा सीट भी शामिल था। अब मुजफ्फरपुर में चुनाव के दौरान कई मतदान कर्मियों का गायब रहने का मामला सामने आया है। दरअसल खबर मिली है कि मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी समेत 144 मतदान कर्मी गायब थे। गायब रहे मतदान कर्मियों को अब डीएम द्वारा सो कॉल जारी किया गया है। अनुपस्थित रहे मतदान कर्मी को अब जवाब देना होगा। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की संभावनाओं के बीच प्रदेश में कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। प्रदेश में कई जगहों पर आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। राजधानी पटना में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना समेत आसपास के इलाके में हल्की बूंदाबांदी भी देखने। प्रदेश में मौसम के इस बदलाव के बाद कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत 13 ट्रैक्टर हुए जब्त। अवैध बालू खनन के खिलाफ बिहार के नवादा जिले की पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान बालू लदे 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। अवैध बालू खनन के खिलाफ ये कार्रवाई नवादा जिले के निमदारगंज थाना क्षेत्र के गोसाई बिघा गाँव स्थित सकरी नदी बालू घाट पर हुई है। इस छापेमारी में ट्रैक्टर चालक वहां से भागने में सफल रहा, इसलिए किसी भी अवैध खननकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ के दौरान नए संदिग्धों का नाम आया सामने। आर्थिक अपराध इकाई नीट पेपर लीक मामले में अभी जांच कर रही है। इस मामले में ईओयू ने अभी एक दर्जन आरोपितों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान कई नए संदिग्धों की जानकारी सामने आई है। सामने आए नए संदिग्धों की तलाशी के लिए ईओयू भी जुट चुकी है। बता दें कि इन सभी कार्रवाई में मुख्य रूप से ईओयू ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी इन्हें किसने दी थी, किन लोगों की मदद से प्रश्न पत्र लीक किया गया और प्रिंटिंग प्रेस व और कुरियर कंपनी से जुड़ी जानकारी कैसे मिली। 577 लापरवाह हेडमास्टरों पर शिक्षा विभाग कर रहा विभागीय कार्रवाई की तैयारी। सरकारी स्कूल में मौजूद लापरवाह शिक्षकों पर शिक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब इसी कड़ी में गोपालगंज के 577 हेडमास्टर शिक्षा विभाग के निशाने पर आए हैं। दरअसल इन सभी ने विभागीय आदेश की अवहेलना की थी, जिनके बाद इन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा इस शनिवार को बैगलेस डे के रूप में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के आयोजन किए गए थे, लेकिन 577 स्कूल में सुरक्षित कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए थे, जिसके बाद इन स्कूलों के हेडमास्टरों को सो कॉल जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इनके वेतन भी काटे जाएंगे। पांचवें चरण के चुनाव के तहत इन क्षेत्रों में बड़ी चुनौती। पांचवें चरण के चुनाव के तहत भारत और नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ उसे बंद कर दिया गया था, ताकि सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। हालांकि इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती सीतामढ़ी और मधुबनी में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वैशाली व सारण दियारा क्षेत्र में देखने को मिली। 46 लोगों को मतदान के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें 22 लोग दरभंगा से, 20 लोग सीतामढ़ी से, 3 लोग सारण से और मधुबनी से एक गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय 93 चेक पोस्ट बनाए गए थे, ताकि संदिग्धों की रोकथाम की जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की निगरानी के लिए 57 चेक पोस्ट बनाए गए थे। गांधी मैदान से आकाशवाणी स्टेशन के करीब पहुंचा मेट्रो सुरंग का काम। पटना में मेट्रो का काम काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। फिलहाल पटना के गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक खुदाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस रूट पर दोहरी मेट्रो सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए 2 टनल बोरिंग मशीन से खुदाई चल रही है। टीबीएम 3 ने गांधी मैदान से खुदाई शुरू कर दी है, जो अब आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन से महज 51 मीटर ही पीछे है। कुछ ही दिनों में ये दूरी भी पूरी कर ली जाएगी। गया के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए अनोखी पहल। आज के समय में ट्रेन हमारे लिए कहीं भी आने जाने का सबसे सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है।
देश के लगभग हर कोने में आज रेलवे अपनी पहुंच बना चुका है, लेकिन बिहार के गया में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आज भी रेलवे अपनी पहुंच नहीं बना सका। लाखों की आबादी वाले इस क्षेत्र में हर किसी को ट्रेन की जरूरत है, लेकिन इसके लिए इन्हें सीधे गया जाना पड़ता है। यहाँ के अधिकतर लोगों ने आज भी ट्रेन नहीं देखा है। बच्चे भी ट्रेन के नाम से काफी उत्साहित होते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सामोत ने बड़ी पहल की है। दरअसल स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए स्कूल प्रबंधन ने ट्रेन की तस्वीर उकेरी है, जिसे देखकर बच्चे तो क्या इस इलाके के लोग भी काफी खुश हैं। यहाँ के शिक्षक ने बताया कि ये नक्सली इलाका रहा है। यहाँ के लोगों को आश्वासन मिला है कि चुनाव के बाद रेलवे लाइन बिछेगी, लेकिन फिलहाल हमारे बच्चों ने ट्रेन नहीं देखी है। ग्रामीणों के आग्रह पर हमने ट्रेन की आकृति विद्यालय में बनवाई है। सोने की नकली बुरादे से जेवर दुकानदारों को ठगने वाले जालसाजों का मामला आया सामने। बिहार के नवादा में उड़ीसा के रहने वाले 5 जालसाजों का मामला सामने आया है, जिनकी जालसाजी को देखकर पुलिस भी दंग है। दरअसल ये सोने के नकली बुरादे से जेवर दुकानदारों को झांसे में लेकर ठगी का काम करते थे। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने नकली सोने के बुरादे को भी जब्त कर लिया है। मामला नवादा के अकबरपुर थाने का है। ये मामला संज्ञान में आते ही नवादा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसके जरिए सूचना दी गई है कि उड़ीसा के 2 युवक सोने का नकली बुरादा बेचकर जेवर दुकानदारों से ठगी कर रहे हैं। इन आरोपियों के पास से 5 ग्राम सोने का असली बुरादा और 490 ग्राम सोने का नकली बुरादा बरामद हुआ है। छपरा में चुनावी रंजिश के बाद 2 दिनों के लिए बंद हुई इंटरनेट सेवा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को सारण संसदीय सीट पर भी चुनाव हुए थे, लेकिन यहां 2 पक्षों में विवाद के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। इस चुनावी हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने तेजी से एक्शन लेते हुए 2 दिनों के लिए जिले में इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया है और भिखारी ठाकुर चौक को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। मामले को लेकर अब तक कई लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये मामला सारण संसदीय क्षेत्र में बूथ नंबर 118 और 119 का है। सोमवार को रोहिणी आचार्य वोटिंग के दौरान छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर पहुंची थी। मामले को लेकर कुछ लोगों ने राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, जिस वजह से विवाद बढ़ा और मंगलवार की सुबह बीजेपी और राजद समर्थक आपस में ही भिड़ गए और फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बूथ कैप्चरिंग के आरोप के बाद रोहिणी आचार्य की सफाई आई सामने। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य की सफाई सामने आई है। इन पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। अब मामला बढ़ता देख रोहिणी आचार्य ने सफाई देते हुए कहा है कि भाजपा वाले लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की जान ली जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे तीन कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की जान चली गई और 1 की हालत गंभीर है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि कैंडिडेट होने के नाते हर बूथ पर जाकर वहां निरीक्षण करना मेरा अधिकार है और उसी अधिकार से बूथ पर गए थे। वहां हम बूथ लूटने नहीं गए थे, बल्कि ये देखने गए थे कि कितना पोलिंग हुआ है और वहां कैसे वोट हो रहा है। रोहिणी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडे बूथ के अंदर बैठे हुए थे और जब पूछा गया कि वोट डाल ली है तो क्यों बैठे हैं, तो उसी पर ये लोग भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। सीएम नीतीश ने रोजगार को लेकर किया बड़ा वादा। सीएम नीतीश सिवान और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट अपील करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद और 1,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है, इसके साथ सबकी आर्थिक स्थिति का आकलन भी हुआ है। प्रदेश के 94,00,000 गरीब परिवारों को 2,00,000 रुपए की मदद दी जा रही है। पप्पू यादव के बयान पर हिना साहब का जवाब आया सामने। सिवान लोकसभा सीट से हिना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पप्पू यादव हिना साहब का लगातार समर्थन करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने हिना साहब को लेकर एक बयान दिया था। पप्पू यादव ने कहा था कि यदि हिना साहब जीत जाती हैं तो वो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पप्पू यादव के इस बयान पर हिना साहब का जवाब सामने आया है। हिना साहब ने कहा है कि पप्पू यादव उनके पति के दोस्त थे, इनके साथ उनका पारिवारिक संबंध है, लेकिन पप्पू यादव प्रवक्ता नहीं है। मुकेश सहनी ने चुनावी सभा के दौरान युवाओं से की अपील। वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभक्त बने, अंधभक्त नहीं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे जनता 5 सालों में हटा देगी।
आगे उन्होंने इस चुनाव को खास बताया है और कहा कि ये एक प्रत्याशी का नहीं पूरे देश का, गांव से लेकर शहर के विकास का और राष्ट्र की प्रगति का चुनाव है। जिस देश में युवाओं की स्थिति बदहाल हो तो उस राष्ट्र की बदहाली की स्थिति को समझा जा सकता है। देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी जिस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ आ रहे हैं, इससे उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है। गौतम गंभीर ने कहा, आईपीएल भारत के लिए खेलने का नहीं होगा शॉर्टकट। दिग्गज स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन के यूट्यूब कार्यक्रम कुट्टी स्टोरीज विद एस पर गौतम गंभीर ने बातचीत के दौरान कहा है कि मेरे लिए बड़ी चिंता ये है कि कितने युवा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आईपीएल भारत के लिए खेलने का शॉर्टकट साबित नहीं होगा। हालांकि आगे गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि आईपीएल से भारतीय क्रिकेटरों को लाभ हुआ है। आज के दौर में जब मैं अंतर्राष्ट्रीय T20 टीमों को देखता हूं और भारत के विरुद्ध खेलने की बात आती है तो 2-3 टीमों के अलावे मुझे अधिक टक्कर देने वाली टीमें नहीं दिखती हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सुभाष प्रसाद, एमके परवेज, दीपक कुमार, सादुल्ला पालवी, नौसाद राजा, कन्हैया कुमार, आसिफ, वरस चौधरी, महेश गोसाई, धनंजय कुमार, अमन, राजकिशोर महतो, सरोज नयन, रवि कुमार, राम जितेंद्र ठाकुर, राजेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, परिवहन के लिए आपका सबसे पसंदीदा माध्यम कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।